तुम्हारी नई इस शादी में तुम यहाँ हमारे पास और ये तुम्हारा चेहरा उतरा क्या बात है। जनाब अब्दुल्ला रोने लगे, जनाब जैनब के शोहर रोने लगे। हाँ तो बचो कहने लगे आपका एक मुश्किल है, मैंने मुश्किल क्या परेशानी क्या मुश्किल है। काका शहजादी रुख्सत होने जब से मेरे घर गई मुसलसल रो रही है, न खाती है न पीती है। मैं बहुत पूछ रहा हूँ कि आखिर बात क्या है, कुछ नहीं बता। जरा आप तशरीफ लाइए, मुझे आप पूछ लीजिए, शायद आपको बताए। मौलाए कायनात ने फरमाया कि अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। मौला अली जनाब अब्दुल्ला को भेज के थोड़ी देर के बाद घर गए। जनाब जैनब जिस उजरे में बैठी थी जनाब अब्दुल्ला ने बुलाया, मौलाए कायनात वहां गए। जैसे ही अपने बाबा को देखा जनाब जैनब लिपट गए रोने लगे। एक मतलब मौला अली ने फरमाया कि बेटी क्या बात है। अब्दुल्ला कह रहे थे जब से तू रुख्सत होकर आई उनके घर में तू मुसलसल रो रही हो, न खाती हो न पीती हो, क्या बात है, आखिर क्या काम है तुमको। जनाब जैनब अपने बाबा से लिपट के पहले तो बहुत रोई और जब जरा सा तसल्ली हुई तो आंसुओं को बोल के फरमाती है कि हे बाबा, हे बाबा जैनब क्यों ना रोए। जिंदगी में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आज 3 दिन हो गए अपने भैया हुसैन को नहीं देखा। अपने भैया हुसैन को नहीं देखा 3 दिन हो गए। हे बाबा जैनब सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हुसैन के बगैर नहीं रह सकती। असादार हो मौला अली ने फरमाया अच्छा जैनब मैं हुसैन को भी भेज दे रहा हूँ। असादार हो उसके बाद हुसैन को भी भेजा गया। अरे जब जनाब जैनब का घर करीब आया ना तो जैसे छोटे भाई बड़ी बहन से मिलने जाते ये बड़ा भाई बच्चों की तरह मोहब्बत जैनब में दौड़ने लगा और उसके बाद जनाब जैनब के पास गए। अरे जनाब जैनब लिपट गई, ए भैया जैनब से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भैया पहली मर्तबा जिंदगी में आपसे इतनी इतने 3 दिनों तक दम घुटने लगा सीने में मेरा तो मुझको सदा क्या कर ये लहू रंग तुम्हारी हुई कैसे, क्या गम है कि आंखों में नजर आते हैं हर। मैंने तो तुम्हें देखा नहीं इस तरह रोते, क्या गम है तुम्हें बतलाओ हमें, हम भी तो सुने चलो ना रक्त का यारा। कहने लगी फिर सानिये जैना आधा ने भरे घर को सकीना तेरे मौला। सब मारे गए पानी के लिए बाबा भी तेरे, कुछ देर में जल जाएंगे खेमे भी हमारे, छिन जाएंगे कानों से गोहर भी तुम्हारे, कानों से तेरे खू के बहेंगे अभी धारे। ये जुल्म चला